ये दोस्तों क्या हालचाल यार। हाल फिलहाल के अंदर ना कर दी गई रश्मि रॉकेट रिलीज हुई G5 पे, और ये मैंने देख ली। देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसे देखे ना देखे, अपना जो कीमती समय वो देना दे, ये सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते एक छोटे से इंट्रो के साथ। अब इसके अंदर जो आपको नजर आने वाली लीड कैरेक्टर में वो तापसी पन्नू नजर आएंगे, साथ में अभिषेक बनर्जी और भी कलाकार आपको नजर आने वाले। अब ज्यादा स्पॉइलर फैलाएंगे, सीधा स्टोरी पे आएंगे। स्टोरी फोकस करती है एक गांव की लड़की जो कि अपने सपनों में खोई हुई है और अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहती है रेसिंग में, यानी कि दौड़ कर। जी हाँ, अब वो दौड़ने तो लग जाती है और एक अच्छे मुकाम पर भी आने वाली है, बट कंडीशन जब चेंज हो जाती है जब उस लड़की का फिजिकल टेस्ट होता है और जिसमें उसे फेल कर दिया जाता है। अब ऐसा क्या हुआ तापसी पन्नू के साथ कि उसे फेल कर दिया गया? अब तापसी पन्नू दोबारा से रेसिंग करेगी या नहीं, अपने देश का नाम रोशन करेगी या नहीं, और वो कैसे कोर्ट ड्रामा को इसके अंदर दिखाया गया है कि वो उसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, अब वो क्यों चल रहा है ये सब जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को G5 पे जाकर देखना होगा। बात करूँ फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे, तो सबसे पहले बताऊँ इस कॉन्सेप्ट पर काफी फिल्में पहले बन चुकी है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, साउथ इंडस्ट्री की, और काफी अच्छा खासा बिजनेस भी कर चुके हैं। लेकिन जो इसका एक्सीब्यूशन था, जो इसकी प्रेजेंटिंग थी, वो ठीक ठाक थी, जो डिफरेंट करती है और फिल्मों से, जिस वजह से इस फिल्म के लिए एक अच्छा पॉइंट निकल के सामने आया। बात करूँ इसके स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले के फर्स्ट हाफ से आप फिल्म के अंदर इतना तो नहीं बनोगे, क्योंकि हल्का फुल्का ड्रामा, जो कॉमेडी हल्की फुल्की आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, कॉमेडी का यूज तो ना के बराबर ही किया गया है, बट जो रोमांस है ये सारी चीजें फर्स्ट हाफ में दिखाई। लेकिन सेकंड हाफ आती ना, पूरी की पूरी स्टोरी एक सीरियस टर्न लेने वाली है, क्योंकि भैया पूरी स्टोरी सीरियस पने में ही बदलने वाली है। जो इसके अंदर कोर्ट ड्रामा दिखाया गया है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन झेलती है तापसी, उस चीज को दिखाया गया, उसके बाद तो आप इंगेज ही हो जाओगे, यानी कि फर्स्ट हाफ का जो बदला है वो सेकंड हाफ में ले लिया गया है। लेकिन जो इसके अंदर टर्न ट्विस्ट है वो तो ना के बराबर थे, जो आपको काफी ज्यादा भाई इंप्रेस करने में कामयाब नहीं रही, यानी कि आप कह सकते हो कि ये फिल्म यहीं पर मात खा गई। ज्यादा बड़े इसके अंदर टर्न ट्विस्ट तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी स्टोरी दिखाई गई है जो आपको इंप्रेस कर सकती है स्पोर्ट के नाम पर। एक्टरों की परफॉर्मेंस के बारे में, तापसी का जबरदस्त रोल था, वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी अच्छा खासा काम किया, और भी जो कलाकार हैं उन्होंने भी ठीक ठाक ही किया। फिल्म के अंदर जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो ठीक ठाक थी, BGM अच्छा खासा है, VFX पे अच्छा खासा काम किया गया, जो सिनेमोग्राफी अच्छी खासी थी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा करेक्टर राइटिंग के लिए, कि जिस हिसाब से इसे सिंपल तरीके से लिखा गया वो सिंपल देखने वालों के लिए काफी अच्छी बेहतरीन साबित हुई। लेकिन जो टर्न ट्विस्ट से भरी फिल्में देखना चाहती है उनके लिए ये फिल्म बोर भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब बात करें फाइनल आपका क्वेश्चन, आप इसे देखें या ना देखें। अगर आप स्पोर्ट ड्रामा बायोग्राफिकल थोड़ी मिक्सिंग सी ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए परोस दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा प्योर आपको लगने वाली है। लेकिन अगर आप टर्न टू इससे भरी हुई ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हो, किसी फिल्म में मसाला वसाला भरा हुआ हो, तो ये फिल्म आपको बोर कर सकती है और आपको देखने लायक भी नहीं बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को मेरे से पहले देख चुके हो तो इसकी रेटिंग बताएं। मैं इसकी रेटिंग देने जाऊँगा 6 out of 10। आपकी क्या होने वाली है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।